हेलो साथियों, हमारे देश के अंदर एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक मेन जो क्वेश्चन होता है, गर्ल्स स्टूडेंट जितने भी होते हैं, वुमेन जितने भी होते हैं, जस्ट लाइक सिक्योरिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो आज मैं कुछ ऐसे कॉलेजों के बारे में बात करने वाला हूँ, जस्ट फॉर जस्ट लाइक गर्ल्स स्टूडेंट्स कॉलेज। एंड ऐसे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेज मिल जाएंगे, हजारों कॉलेज भरे पड़े हैं जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत हजारों में अच्छी सिक्योरिटी है। लेकिन हाँ, वहाँ पे मतलब ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता, अच्छी टीचिंग नहीं होती, या फिर अच्छा कोलेबरेशन नहीं है यूनिवर्सिटियों के साथ। तो मैं कुछ आपके लिए आज एक अच्छे इंस्टीट्यूट से लेकर आए हूँ जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ सकती हैं फुल सिक्योरिटी के साथ, जिनकी सिक्योरिटी IIT NIT IISc से भी ज्यादा सिक्योरिटीज होती हैं। तो आपने फर्स्ट कॉलेज का तो नाम सुना ही होगा, जो कि WBDTU, राइट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो वो मेन कॉलेज है। उसके बाद में सेकंड इंस्टीट्यूट आता है, जो कि है मोदी यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज इन राजस्थान, हाईटेक सिटी सीकर। सीकर के अंदर यह यूनिवर्सिटी है, दिस इज फेमस फॉर मतलब इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए। एंड आई एम इंडिविजुअली प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज मैं जब जेई मेन का एग्जाम देने गया था, सो मेरा जो सेंटर था यही था, मोदी कॉलेज, राइट। और यहाँ से हमने एंटर किया था, आप ये गेट देख सकते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है इनका। सो अपन देखते हैं इनका क्या क्या प्रोसेस है, इनका कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और क्या क्या सिस्टम है, कहाँ पे ये है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या प्लेसमेंट सीन है, कब स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे बच्चे तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है क्या? सो नहीं यार, ये जो है जस्ट लाइक जो भी दो सर थे जिनका सरनेम मोदी था, तो उनके नाम पे जो भी थे, तो उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी रखा गया। ओके, सो देखते हैं अपन इनके प्रोग्राम्स वगैरह, क्या क्या सिस्टम है इनका, और चलिए देख लेते हैं आज हम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके यानी कि आप कुछ डिपार्टमेंट मान सकते हो। पहला डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, देन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, ओके, जितने भी आर्किटेक्टर वगैरह वगैरह जो भी कोर्सेज होते हैं, देन फिर लॉ का कॉलेज है, लड़कियों के लिए अच्छा हो सकता है लॉ, ठीक है। स्कूल ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस के लोग हैं उनके लिए है, और देन उसके बाद में है स्कूल ऑफ लाइब्रल एंड आर्ट्स एंड साइंस। ओके, सो इतने डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि पांच डिपार्टमेंट हो गए। फिर आप इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक VLSI डिजाइन, एम टेक न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और PhD इन इंजीनियरिंग, ठीक है। आप बाद में देख सकते हो डिजाइनिंग के अंदर आप बेचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बी एड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, बेचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, MDes, PhD फैशन डिजाइन, फैशन ये जितने भी है, टेक्सटाइल डिजाइन, अदर अदर। देन आता है लॉ के लिए BA LLB, LLB 3 ईयर, LLM, BCom LLB, BBA LLB, PhD लॉ, ओके। देन उसके बाद आता है BCom ऑनर्स, BCom स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, BBA, BBA स्पेशलाइजेशन, जैसे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, BBA टूरिज्म ट्रेवल मैनेजमेंट है, BBA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BBA डिजिटल मार्केटिंग है, जो कि अभी बहुत फेमस है, MBA है, PhD मैनेजमेंट है, MBA इंटीग्रेटेड है। उसके बाद जो आते हैं स्कूल ऑफ लाइब्रल आर्ट्स एंड साइंस, BSc होनर्स फूड एंड न्यूट्रिशन, BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, BA होनर्स इंग्लिश, BA होनर्स फिजियोलॉजी, BA होनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA होनर्स ये जो भी है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc मैथमेटिक्स, नॉर्मल BSc, BSc होनर्स फोरेंसिक साइंस। ओके, सो अब इसके अपन लोकेशन की बात करते हैं, तो मोदी जो कॉलेज है राजस्थान की हाईटेक सिटी है सीकर, तो सीकर के अंदर लक्ष्मणगढ़ के पास में यह कॉलेज है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैंपस की बात करें तो ओसम है, दिस इज रियली लाइक ओशम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपन, इसके क्लासरूम वगैरह की देख लेते हैं क्या सीन है। यार हम जो गए थे
बड़े कमाल के क्लासरूम थे। सो टेक सेवी क्लासरूम्स, गजब के। आप इसका यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ओके, जस्ट लाइक 9, 10 ऑल क्लासरूम सेमिनार हॉल्स, ड्राइंग हॉल्स, वेल फर्निश्ड विच फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्ट स्क्रीन, OHP, LCD, राइट। और यार बहुत ही पुराना कॉलेज है, ठीक है, चूज कर सकते हो। आई फुली रिकमेंडेड फॉर यू। इसके कुछ, ये जस्ट इसके अंदर कुछ स्पेशली, वाव क्या फुहारे लगे हुए, मजा आ जाएगा भाई एडमिशन लेने वाले लड़कों को। तो यहाँ पे मिलता नहीं है, तो लड़कियों को ही आएगा यहाँ पे मजा, तो ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं। सो इसकी रैंकिंग की और बात करते हैं अपन, और ये एसोसिएशन इसका क्या क्या सीन है भैया, ठीक है। तो ये जस्ट मोदी यूनिवर्सिटी रैंक 22 अमंग प्राइवेट जनरल यूनिवर्सिटी अमंग इंडिया टुडे, राइट। सो यार इसकी कोलेब्रेशन भी बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है, आगे अपन चर्चा करेंगे। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इससे ज्यादा सिक्योरिटी DTU के बाद में, जो भी WBDTU है उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आप मान सकते हो, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी। एक बनस्थली विद्यापीठ है, वो भी इसके बाद में आता है, तो इतनी ज्यादा मतलब सिक्योरिटी के मामले में पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह जो कुरियर आता है उसकी तक सिक्योरिटी की जांच की जाती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका कुरियर खोल के चेक किया जाता है, कोई बॉम्ब वगैरह वगैरह कुछ ना डाल दे, इसकी सिक्योरिटी वगैरह वो सब चेकिंग किया जाता है। और यार पुलिस वगैरह भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रहती है। हाईवे है बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं सड़क के ऊपर। ओके, बिकॉज आई बिलोंग्स टू दिस एरिया, और दिस इज नॉट एन फॉर पेड एडवर्टाइजमेंट, दिस इज आई फुली फ्री, मतलब मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। और इसका फाउंडर कौन है कौन नहीं है इसके बारे में भी मेरे को कोई डिटेल नहीं है। मैं बिल्कुल मजे से बता रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ अपने आप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। ओके, सो इसके कुछ लीडिंग रिक्रूटर्स की अपन बात कर लेते हैं। तो यार कमाल के रिक्रूटर हैं, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बजाज, बायजूज, IBM, यार बजाज वगैरह के जितने भी है, बीट्स वगैरह, जो भी टाटा टोनी है यहाँ से, ठीक है, बजाज है, ये जितने भी है, बीट्स पिलानी वगैरह वगैरह, जितने भी सारे के सारे शिखर से ही हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो अदर हो, सारे के सारे, ठीक है। रिक्रूटर्स बहुत अच्छे हैं, प्लेसमेंट बहुत तगड़ा जाता है, और कुछ यहाँ पे रिव्यूज भी दे रखे हैं, जो कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। सो जितने भी लड़कियां लोग हैं वो यार एडमिशन ले सकती है, बेझिझक ले सकती है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वैसे नॉर्मली एडमिशन मिल पाना बहुत ही मतलब आसान काम नहीं है एडमिशन लेना इतना, ठीक है, लेकिन हाँ जो लाइक है वो ले सकता है। यू कैन गेट एडमिशन नाउ इजीली, इफ यू आर मार्क्स इज गुड, यू आर वेरी गुड, देन यू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। ओके, इसके कुछ क्लब्स भी यार, जैसे टेडेक्स है, कनेक्शन है इसका उनके साथ, फिल्म सिटी है, समाज है, ये जस्ट लाइक आप देख सकते हो, इतनी सारी एंटरप्रेन्योरशिप, डिबेट, आर्ट्स, कल्चर, मॉडल, यूनाइटेड नेशन, फोटोग्राफी, टेडेक्स जो कि बहुत फेमस है इंडिया में, लीडरशिप क्लब, फेमस कैंपस जर्नलिज्म। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो मेन जो क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट इंडिया के अंदर वो है, या भैया फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। फीस स्ट्रक्चर इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो फीस स्ट्रक्चर यार बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 4 साल का आप यहाँ पे देख सकते हो ट्यूशन फीस, यहाँ पे UG कोर्सेज की 1 लाख कितनी है, 15 हजार, ऐसे कुछ 2 लाख 20 हजार। तो यार फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल है, और इतना ऑलमोस्ट इंडिया में लगता है, और मतलब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इतने ज्यादा एजुकेशन, इतना अच्छा प्लेसमेंट, तो इसकी फीस के बारे में तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए यार। तो आप फीस वैसे नॉर्मल है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मतलब फीस तो सभी को पता ही होगा कि ये जब इतनी ज्यादा हमें दे सकते हैं तो हम इनको क्यों नहीं दे सकते। फीस के बारे में तो वैसे कुछ होना ही नहीं चाहिए हमारे दिमाग में, लेकिन हाँ फीस इसका नॉर्मल है, वैसे उतना ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल फीस जितना लगता है। कैंपस प्लेसमेंट रियली ऑसम एंड आई फुली रिकमेंडेड फॉर यू। जितनी भी गर्ल्स हैं, सिस्टर्स हैं, दीदी हैं, ठीक है, बहनी हैं, और जो भी हैं,